देखयराणं अपश्चिमोदयम् सच्चिदानन्द सम्पूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं चौथेश्वर पुरुषं पार्श्वनाथं नमः सर्वाष्टाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे धर्मलाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। December 5th आत्मा को मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है तो एक ही विकल्प है, जैसे जैसे आत्मा अपनी आवरणीय कर्म को क्षय करते जाएगी वैसे वैसे अंतरात्मा के गुण प्रकट होते जाएंगे। मिथ्यात्व एक कर्म है जिसने आत्मा के गुण को ढका है। मोक्ष मार्ग पर चलना है तो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षय करते जाएंगे और एक दिन सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। यह मार्ग निर्जरा का है और निर्जरा मार्ग का सहयोगी संवर्ग मार्ग भी है। यहाँ हम पुण्य मार्ग की विचारणा करेंगे। पुण्य का उपार्जन करना है, कैसे हम समस्त संपूर्ण निमित्त मिलेगा। पुण्य यहाँ काफी सहायता करता है। जो साधन सामग्री हमें उपयोगी हो वह द्रव्य पुण्य है और पुण्य जाकर के हमें मोक्ष मार्ग पे ले जाएगा। दूसरा है भाव पुण्य। भाव पुण्य में हमें मुख्य स्वरूप से भाव परिणाम चाहिए, भले द्रव्य साधन कम मिले। 9 प्रकार के पुण्य है, 5 द्रव्य पुण्य, मन के से शुभ विचार, वचन योग से शुभ भाषा, काय योग से सुयोग क्रिया और अंतिम में 9वें नंबर पर है नमस्कार पुण्य। महाराज जी ने बताया तीर्थंकर नाम उपार्जन करने वाले पुण्यात्मा ने भी भावों से ही पुण्य किया है। जगत के समस्त जीवों का कल्याण मैं कैसे करूं, हमें भगवान बनकर मोक्ष जाना है या बिना भगवान बने जाना है। कई लोगों को जल्द से जल्द बिना भगवान बने मोक्ष जाना होता है, लेकिन कई विशिष्ट पुण्य आत्मा एक ही लक्ष्य बना करके भले मुझे देर लगे पर मैं भगवान बनकर के तीर्थंकर बन करके मोक्ष में जाऊंगा। ये विशेषता यहाँ बताई गई है कि अगर कोई आत्मा तीर्थंकर बनकर मोक्ष में जाना चाहे तो एक ही लक्ष्य है, मैं सभी जीव करूँ शासन हसे। दुनिया के समस्त जीवों को मैं कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कराऊं, जगत के समस्त जीवों को मिथ्यात्व में कैसे घटाऊं, जगत के समस्त जीवों को धर्म के मार्ग पर कैसे जोड़ूं, जगत से सब पाप प्रवृत्ति में कैसे बंद कराऊं। इतनी बड़ी भावना लेके लेके जो जानते हैं वो जानते हैं कि आज नहीं होगा, लेकिन वो अपनी प्रार्थना इतनी प्रबल बनाते हैं कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैं जगत समस्त जीवों की पाप प्रवृत्ति बंद कराऊं। ऐसे प्रबल भाव से पुण्य उपार्जन होता है और इसे तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य मिलता है। हम सभी जानते हैं 24 ही तीर्थंकर बनते हैं। महाविद्यालय क्षेत्र में भी 20 तीर्थंकर ही है।
पुण्य पुण्य के मदद से मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए संग्रहण चाहिए, संस्थान चाहिए, गति चाहिए, जाति चाहिए, अनुपूर्वी चाहिए, शरीर वैसा चाहिए, निर्माण वैसा चाहिए आदि। ये सब पुण्य से ही मिलेगा। कर्म ग्रंथकार ने अपनी तरफ से पुण्य उपार्जन करने के बाद उसका फल जब मिलने की बात आती है तो उसको विस्तार में काफी बताया है। इसलिए सही धर्म मिलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपने फर्स्ट क्लास वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स किया, इसलिए आपको धन्यवाद। देखिए हम पुण्य की ही बात, पुण्य अभी हम पुण्य की ही बात कर रहे हैं और इस शुभ पुण्य के अंदर पुण्य उपार्जन कर लिया, अब पुण्य को फल देना है। पुण्य का फल जो मिलने वाला है जिसको हम शुभ फल कह सकते हैं, शुभ इसलिए कहते हैं कि शुभ कर्म है। आप यहाँ पर कर्म शब्द जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं, ये हो गया शुभ कर्म का फल। मिलता है तो खूब मिलता है और दूसरा है सब कुछ सानुकूल, हर चीज आपकी इच्छा के मुताबिक हो, आपको अनुकूल हो वैसा हो, तो ऐसा कहां से मिलेगा? कौन आकर के आपको देने वाला है क्या? तो मुश्किल है सर, कोई आकर के देने वाला नहीं है, क्या लायक नहीं, आप तो देख ही रहे हो, अनुभव है सबको। पड़ोसी कोई आकर पूछता नहीं कि आप बीमार हो तो कोई आकर कुछ दे दे, कुछ आपको दवाई लाके दे दे, कुछ बनाकर खिला दे, कोई कुछ नहीं करता ऐसे। लेकिन अगर आपके पास अपना उपार्जन किया हुआ पुण्य अगर है तो ये निश्चित समझे कि आपके अकाउंट में पड़ा हुआ वो आपको अवश्य देगा। आखिर चलते चलते पुण्य की आवश्यकता कहाँ पड़ी? देखिए ये तो आपको जान ही रहे हो, मोक्ष मार्ग है। अब इसी मोक्ष मार्ग पर आत्मा को चलना है। आपको क्या लग रहा है मोक्ष मार्ग पर पुण्य की क्या जरूरत है? जिसको मोक्ष में जाना है उसको पुण्य की क्या जरूरत है? हम ऐसा बार बार बोल तो देते हैं लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि मोक्ष में जाने के लिए सहयोगी भी तो पुण्य चाहिए ना। आपको करनी है निग्रह, कर्म क्षय करते करते हम निग्रह करते करते आगे बढ़ेंगे। आत्मा को आगे बढ़ना है लेकिन आत्मा को शरीर भी तो चाहिए, शरीर से धर्म करना है, शरीर का साथ सहयोग चाहिए कि नहीं? यहाँ पर जो है आपको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। अब 13वें गुणस्थान पर पहुंच गए, अभी आज सिमंदर स्वामी इस 13वें गुणस्थान पर है। सिमंदर स्वामी को केवल ज्ञान हुए, बहुत वर्षों बच गए, लाखों बरस बीत गए, लेकिन आयुष्य काल इतना बड़ा है उनका, 84 लाख पूर्व का आयुष्य, 83 लाख पूर्व संसार में बीत गए, 1 लाख पूर्व का काल उनका चल रहा है, केवल ही पर्याय में चल रहा है। तो अभी सिमंदर स्वामी यहाँ 13वें गुण स्थान पर है, अभी ये तीर्थंकर नाम कर्म पुण्य प्रकृति का फल है। सर क्या पुण्य प्रकृति जो उन्होंने उपार्जन की है? अभी हम क्या बोल रहे थे, कर्म क्षय करते करते आए, तो निश्चित बात है आपने जैसे कर्म क्षय किया है तो यहाँ पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, यहाँ पर आपके विद्रागता, अब ये तो कर्म क्षय निद्रा से प्रकट हो गए। कर्म क्षय से निद्रा से जो गुण प्रकट होंगे उनके लिए हम प्रकटीकरण, गुणों का प्रकटीकरण शब्द प्रयोग कर रहे हैं, और इधर ये तीर्थंकर नाम कर्म पुण्य प्रकृति के रूप में आ रही है। तो जो पुण्य यहाँ से पहले से उपार्जन किया है, अब आज सिमंदर स्वामी है, देखिए उनका खुद का अपना पुण्य क्या है, उनको किसी देवी देवताओं को कुछ भी कहना नहीं पड़ रहा है, कोई बुलाना नहीं पड़ रहा है, लेकिन देवी देवता बरोबर रेगुलर साथ में चलते जा रहे, बरोबर आगे पहुंचकर समोसन बना देंगे,
भगवान आ रहे हैं तो भगवान की सारी सेवा में हाजिर रहते हैं, बॉडी गार्ड्स के रूप में साथ में रहते हैं, अशोक वृक्ष रहेगा और सूर्यपुष्प वृष्टि होगी, दिव्य ध्वनि होगी, चामर होंगे, सिंहासन देवता साथ में लेकर चल रहे हैं। कहीं पर भी भगवान बैठे तो इस सिंहासन पर बैठेंगे और जमीन पर जो है सुवर्ण कमल बिछा करके देवता था। भगवान जैसे जैसे चरण रखे तो देवता एक सुवर्ण कमल रखते हैं और भगवान उसी पर जाए। अब ये सारा कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं देवता। क्यों कर रहे हैं और क्यों सिमंदर स्वामी के लिए ही करते हैं? क्यों सिर्फ तीर्थंकर के लिए ही करते हैं? दूसरे सबके लिए क्यों नहीं करते हैं? तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य उन्होंने खुद ने उपार्जन किया है पूर्व में तीसरे भव में, अर्थात महावीर स्वामी बने 27वें जन्म में और पूर्व का तीसरा जन्म है उनका 25वां भव, 25वें नंदन राजर्षि के भव में इतनी जबरदस्त साधना की है और कौन सा पुण्य उपार्जन किया है? सभी जीव करो शासन से संसार के समस्त जीवों का कल्याण कर, मैं संसार के समस्त जीवों को मोक्ष के मार्ग पर लाकर कैसे चढ़ाऊं? मैं संसार के समस्त जीवों को दुखी होते हुए कैसे बचाऊं? मैं इस संसार के समस्त जीवों को शुभ पुण्य उपार्जन कैसे कराऊं? मैं इन संसार के समस्त जीवों को धर्म मार्ग पर कैसे जोड़ूं? मैं इन संसार के समस्त जीवों को कैसे आत्मा के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाऊं? ऐसे आप सैकड़ों सेंटेंस लिख लीजिए। ये सभी किस बात के हैं? सभी जीव करो शासन रसी, जीवों का कल्याण करने का ये शासन रसी के भाव है। इस भाव परिणाम के आधार पर ही जब वो जितना करते हैं, जितना संभव होता है उतना करते हैं, लेकिन संभव नहीं होता है, आत्मा की शक्ति कम पड़ रही है, तो वो बरोबर विशद स्थानक की आराधना से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करेंगे। ये उनकी आत्मा में स्टॉक में रहता है और वे 26वें जन्म में देवलोक में चले जाते हैं, वहां का आयुष्य पूर्ण करके 27वें जन्म में यहाँ आते हैं, देवानंदा माता की कुक्षी में आते हैं, तब इंद्र महाराज देवलोक से भगवान को वंदना करते हैं। एक इंद्र का भगवान को वंदना करना कितना बड़ा पुण्य है। और जब भगवान का जन्म कृष्णा माता की कुक्षी से हो जाता है तब पांच इंद्र महाराज अपने पांच रूप करके मेरु पर्वत पर ले जाते हैं और लाखों देवता 64 इंद्र सभी आकर परमात्मा का अभिषेक करके जन्म महोत्सव मनाते हैं। अब भगवान को आज जन्मे हैं, प्रथम दिन के जन्मे हुए भगवान कितने छोटे बाल स्वरूप में, लेकिन देवलोक के देवता वहां मेरु पर्वत पर ले जाकर भगवान का अभिषेक करें कितनी बड़ी बात है। दुनिया में और किसी का नहीं होता है, दुनिया में कोई चक्रवर्ती आ जाए, राजा महाराज है, कोई यहाँ किसी का नहीं होता है, अकेले सिर्फ तीर्थंकर का ही होता है। इतनी बड़ी विशेषता किस कारण से? इतनी बड़ी विशेषता मात्र तीर्थंकर नाम कर्म की जो पुण्य प्रकृति उपार्जन की है उसके कारण ये विशेषता है। चलो उनकी इतनी बड़ी पुण्य प्रकृति है, इतनी पुण्य विशाल प्रकृति जगत में और किसी की, तीर्थंकर के सिवा और किसी की नहीं है। अब आप लोगों ने रामायण देखी हुई है, महाभारत देखी हुई है, कहां समवसरण देखा है? किसी के लिए समवसरण बनता देखा है? किसी के लिए देवताओं का आना, सूर्यपुष्प वृष्टि करना, अशोक वृक्ष बनाना, समवसरण में बैठ करके भगवान देवता ने ऐसा कहां हुआ है? कौन कहां किसको देखा है आपने? कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। और किसी ने भी इस व्यवस्था के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ आपको जैन आगम शास्त्रों में ही मिलेगा। और ये परमानेंट व्यवस्था है, शाश्वत व्यवस्था है, हमेशा ही जब जब जिस किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त होगा बरोबर उनका तीर्थंकर नाम कर्म उपाधि प्रकट होगा और उसी समय देवता आकर समवसरण की रचना करेंगे और लाखों नर नारी मनुष्य जो है वो समवसरण में जाकर बैठकर भगवान की देवता सुनेंगे। आप बताइए कि जिनको मोक्ष मार्ग पर आगे जाना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है,
उनको मनुष्य शरीर मिलना चाहिए कि नहीं, उनको पांचों इंद्रियां पूरी मिलनी चाहिए कि नहीं। अगर कान जो है व्यवस्थित नहीं मिले तो भगवान की निष्ठा कैसे सुन पाएंगे, अगर चक्षु आंखें उनको बराबर नहीं मिलेंगी तो भगवान के दर्शन कैसे कर पाएंगे, उनके पैर बराबर होने चाहिए मनुष्यों के गति करके समोसन में आना जाना आदि कर तो सके, शरीर के अंगों पांग हाथ पैर आंख नाक कान पैर की अंगुलियां हाथ की अंगुलियां ये सारी बननी चाहिए कि नहीं, पांचों इंद्रियां बननी चाहिए कि नहीं। ये कौन दे रहा है, ये कौन कर रहा है, आपका पुण्य कर रहा है। आपने गलती कहा कि पुण्य का उदय, पुण्य के उदय से सुख, सुख का मतलब धन संपत्ति कुटुंब परिवार, बस 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 आपने इतना ही समझ रखा है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। ऊपर से ये जो हम पुण्य फल के रूप में अलग अलग 42 प्रकृतियां जो समझ रहे हैं इसके अंदर और डिटेल बता दी, और महावीर स्वामी ने यूनैनिमसली एंड यूनिफॉर्म कॉमन फॉर ऑल हर जीव के लिए बताई है। हर जीव के, देखिए एक जीव कुत्ता बना है, अब कुत्ते के लाइफ में पुण्य है कि नहीं है सब बताइए, किस कुत्ते का पुण्य है और किस कुत्ते का पुण्य नहीं है, किसका उच्च गोत्र है और किसका उच्च गोत्र नहीं है, रास्ते में गलियों पर घूमने फिरने वाले कुत्ते बहुत है, कोई कुछ नहीं देता है कोई कुछ नहीं खिलाता है, और यहाँ पर आपके क्लास में बैठने वाली जो है क्या नाम आचलिया जी जो है वो अपने डॉग को कुत्ते को लेकर के मंगलिक सुनाएगी, चलो महाराज साहब मंगल पाठ दे रहे हैं बरोबर फटाफट आकर के कुत्ते को पहले लेके खड़ी रहेगी, चलो साहब वो घर में अपने अब क्या कैसे भाई साहब बहुत कुत्ते हैं बहुत दुनिया है, किसका किसका पुण्य है किसका नहीं है, कितने का पुण्य है कितने का नहीं है। अब किसी का पुण्य अच्छा है कि जो है लोग सेठ शैतानी अपनी गद्दी पर सुलाते हैं साथ में खिलाते हैं पिलाते हैं सब करें, अब ये जिसका पुण्य फल जो है क्योंकि वो भी संसार का एक जीव है, चारों गतियों में संसार के अनंत जीव है। आप जाएंगे तो वनस्पति के अंदर भी देखेंगे, एक गुलाब का फूल है लोटस फ्लावर है, दूसरे चंपा का फूल है वो जाकर परमात्मा के चरणों पर चढ़ता है, और एक दूसरा कांटा है कैक्टस है वो कई भगवान के चरणों पर कोई चढ़ाते नहीं है उसको, कई वनस्पतियां हैं सर, तो ये भी तो देखेंगे नहीं, वनस्पति भी संसार के जीव है। अब उनमें भी किसका पुण्य कितना है, वो कौन सा जीव है कहां से करके आए, आपने गाय भैंस को देखा है, लोग गाय भैंस का दूध पीते हैं, अब गाय भैंस का पैसा दान करने जाएगी क्या, गाय भैंस को उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपनी धन संपत्ति पैसा दान करने जाए, लेकिन उसके शरीर में जो दूध बनता है वो दूध जो है सबको पिला रही है दे रही है। एक माँ ने अपना दूध छोड़ दिया बच्चे को पिलाना और वो गाय का दूध पिलाकर बच्चे को बड़ा कर रही है, तो गाय को पुण्य लगा कि नहीं लगा, अपने शरीर के खून में से जिसने दूध बनाया है वो अगर एक बच्चे को पिला रही है और माँ ने तो छुड़ा दिया था, नहीं नहीं बहुत हो गया 6 महीने हो गया 8-10 महीने हो गए बहुत हो गया बस 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 बस, क्या कारण है ये क्यों छुड़ा देते हो आप दूध, पिलाइए आपका बच्चा है आपने जन्म दिया है आप 2-3 साल अपना दूध पिलाइए, क्यों गलती करते हो क्यों छुड़ा देते हो और फिर जाकर गाय का दूध खिलाते, तो गाय को कितना पुण्य है, माँ अपने बेटे को दूध पिलाए माँ को पुण्य नहीं है, माँ को दान नहीं कर रही है, माँ तो अपना कर्तव्य निभा रही है एज पर द ड्यूटी, जिसने माँ ने बच्चे को जन्म दिया है तो उसका कर्तव्य होगा, लेकिन गाय तो अपना दूध लेकर के आपको पिला रही है, गाय तो न हिंदू देखती है न मुस्लिम देखती है, गाय किसी के प्रति कोई राजद्वेष भी नहीं कर रही है, तो गाय को पूरी जिंदगी अपने शरीर से दूध देने का पुण्य मिला कि नहीं मिला, उसने पुण्य उपार्जन किया कि नहीं किया, एक गाय इतना पुण्य उपार्जन करके स्वर्ग में जाकर देवी देवता बन सकती है, ये जैन शासन की बलिहारी है, ये जैन शासन की विशेषता है। अब बाकी के दुनिया के कई धर्म ऐसे हैं जो गाय में जीव ही नहीं मानते, वो तो गाय को मार के खाने की बात करते,
क्या करना, वो तो गाय को जी मानने को आत्मा मानने को ही तैयार नहीं है। तब तकलीफ तकलीफ तो इस बात की है। और जैन शासन इससे आगे बढ़कर कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, एक गाय पंचेंद्रिय प्राणी है, एक भैंस भी पंचेंद्रिय प्राणी है, एक बकरी भी पंचेंद्रिय प्राणी है, ये अपने शरीर का दूध दूसरों को देकर दूसरों की जिंदगी बचा रहे हैं, वो भी अच्छा पुण्य उपार्जन करके स्वर्ग में जाकर देवी देवता बन सकते हैं, कोई ना। तो यहाँ पर पुण्य के फल में आया, देवी देवता बनना भी पुण्य का फल है, ये विशेषता आई कि नहीं आई, कितनी बड़ी विशेषता है। ये जब हम समझेंगे तो आपको हर चीज क्या सानुकूल मिली है, सब बोली हिला बहन जी, आपको घर अच्छा मिला है, आपको परिवार अच्छा मिला है, आपको गाड़ी बंगला मकान मिला है, आपको नौकर चाकर मिले हैं, आपकी सेवा करने वाले मिले हैं, आपको कपड़े लगते अच्छे मिल रहे हैं, आपको ऑर्नामेंट दागिने आभूषण अच्छे मिल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट इमीडिएटली यू आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड सानुकूल। आपको जो अनुकूल आ रहा है वो सब कुछ मिल रहा है, बाकी चले जाओ रास्ते पर स्लम एरिया के अंदर खाने को भी नहीं मिल रहा है। कई गरीबों के बच्चे जाकर के और कचरा पट्टी में से कहीं से कुछ भी चुन करके ला कर खाते हैं, कहा गया उनका पुण्य क्यों नहीं है उनके पास। अब जो चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, मारामारी करेंगे, हिंसा करेंगे, अब उनका पुण्य उपार्जन नहीं होगा, अब पुण्य उपार्जन नहीं होगा तो उनका तो पाप कर्म ही उपार्जन होगा, अब वो अपनी तरफ से दुख भोगेंगे, उनको अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी अनुकूल नहीं मिलेगा, सब प्रतिकूल ही होने वाला है उनके लिए। ये हम यहाँ पर जो जो अच्छा शुभ पुण्य फल देख रहे हैं, इन सब प्रकार के अच्छे ऊंचे पुण्य फल के अंदर आपको कब क्या मिले, कितना मिले, क्या मिले, कितना मिले, वो आपको देखना है, आपको पूछना है कुछ कानन में। पूछना है आपने हाथ ऊपर किया इसलिए, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जिन जिन पुण्य प्रकृतियों का, तो ये सब पुण्य प्रकृति भी आत्मा के घर में स्टॉक में रहनी जरूरी है, आत्मा अपने घर में इसको बांध करके उपार्जन करके रखती है। जब जब आपने जो किया, आपने जो दान दिया, आपने जो भी किसी के लिए किया है, किसी की दुख निवृत्ति के लिए आपने जो किया है, वो आपके अकाउंट में बरोबर प्रकृति शुभ पुण्य प्रकृति के रूप में बनी रहेगी। तो आपने काया से शुभ क्रिया की, वचन से शुभ क्रिया की, मन से क्रिया, अब जो भी आपने की है, अब फिर आपने जो है उससे जो उपार्जन करेंगे, अब आपके इन पुण्य प्रकृतियों के अंदर थोड़ा बहुत वर्णन तो हम कर चुके हैं काफी। अब आपको यहाँ पर समझना है कि आप किस तरह से एक 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 करके क्या क्या करेंगे, आप क्या क्या प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आना चाहिए, अब हम यहाँ दो विभाग करके लिख रहे हैं, इन दोनों विभागों के अंदर आपको ये समझना है कि एक को जाकर के आपको दर्शक दस प्रकृति, जो भी पुण्य उपार्जन करते हैं वो अपने अंदर ऐसी त्रस दर्शक का उपार्जन करके रखते हैं। अब इस त्रस दर्शक के अंदर अलग अलग तरीके से एक जो है फिर दूसरी जो है फिर तीसरी ये चौथी पांचवी, अब एक है आपको त्रस पता मिला है, यहाँ त्रस पता मिला है मतलब क्या, किसी प्रकार की दुख की कैसी भी परिस्थिति विपरीत आ जाए तो आप दुख से बचने का प्रतिकार करो, जा सकते हो, चल सकते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, ये त्रस्त दर्शक है। लेकिन इधर क्या है, स्थावर दर्शक है,
अब एक पेड़ खड़ा है और सामने से आग लगी हुई आ रही है, पेड़ कहाँ भाग के जाए? नहीं जा सकता है, उसको आग में जलना ही पड़ेगा था। जैसे भी आग पास में आएगी, जितनी आग चारों तरफ से पास में आएगी, अब गर्मी तो लगेगी लगेगी, लेकिन वो बच नहीं सकेगा। अब कोई भी वृक्ष है लेकिन ये है स्थावर वृक्ष है, अब ये भाग करके नहीं जा सकता है। तो ये अब कोई पत्थर पड़ा है उसमें जीव है, वो भी कोई आ गया है तो नहीं भाग सकता है, क्या करेंगे सर? यहाँ कोई मैंगो पड़ा है, ये अगर मैंगो यहाँ पर है और चलती चलती आग आ रही है, मैंगो कहाँ भाग के जाएगा? ये सावर है जो अपने दुख का प्रतिकार नहीं कर सकते, ये सावर है आने हुए दुख के सामने भागकर जा नहीं सकते। इस तरह से इनको रहना है, ऐसा ऐसी ही स्थिति इनकी बनी हुई है। लेकिन आप मनुष्य है, दो इंद्रिय वाले जीव है, तीन इंद्रिय वाले जीव है, चार इंद्रिय वाले, पांच इंद्रिय वाले, हम लोग भाग तो सकते हैं, जा तो सकते हैं, चल तो सकते हैं, दौड़ तो सकते हैं, कैसी भी तकलीफ आए तो आप सभी अपने अपने आप को बचा तो सकते हो, ये विशेषता है इसकी। तो हमारा जो है अच्छी कक्षा का ऊंचा ये पुण्य है, इसको कहते हैं त्रस्त दर्शन है। अब ये जिसको जिसको जो मिलता है, सबको तो नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या मिला है सेकंड में, ये बादल है और ये यहाँ पर इसको सूक्ष्म मिलता है। तो क्या हुआ, बादल वाला व्यक्ति बड़ा है, आपको इतना बड़ा शरीर मिला है, आप शरीर से जो है गति कर सकते हो, क्रिया कर सकते हो, दौड़ के जा सकते हो। शरीर का बादर पना मिलना, बड़ापन मिलना, ये भी आपका पुण्य है, नहीं तो आप चल भी नहीं सको, दौड़ भी नहीं सको, तो क्या करेंगे? सोची ऐसी स्थिति के अंदर याद है, अभी ओमिक्रॉन आया है, कोरोना है, आप देख रहे हो हवा में उड़ता है, प्लेटलेस में जा रहा है, बाहर गति कर लेता है, दूसरी बॉडी में एंटर हो जाता है, ये तो निश्चित है। वो दो इंद्रिय जीव है, वो भी त्रस है, सावर सावर सिर्फ एक इंद्रिय ही होते हैं, सब एक इंद्रिय हो करके भी उसमें छोटे शरीर वाला सूक्ष्म बन जाए तो करना कैसे, वो गति कैसे कर पाएगा? ये इसकी विशेषता है, तो इसको अपनी तरफ से ये रखना है। अब यहाँ पर ये तीसरा है पर्याप्त, पर्याप्त नाम कर्म एक ऐसा, ये सब नाम कर्म की प्रकृति में चल रहा है। तो जो अपनी तरफ से छह पर्याप्तियां पूरा करके जीवन जी रहा हो वो पर्याप्त है। मतलब क्या हुआ, जब जीव माता के गर्भ में आया तो वो बरोबर छह पर्याप्तियां पूर्ण कर सके। दो घड़ी का 48 मिनट का टाइम उसको लगता है, आहार के पुद्गल परमाणु लिया, शरीर बनाया, इंद्रियां बनाई, श्वासोश्वास ले रहा है, भाषा बना रहे, मन बना रहे, छह पर्याप्तियां पूर्ण करके बरोबर आगे बढ़ रहा है। अब गर्भ का विकास होता जाएगा, 9.5 महीने लगेंगे, बालक जो है अपना शरीर पूर्ण तैयार करके जन्म लेगा, ये उसके लिए पर्याप्त नाम कर्म का कर्म है, स्पेशल कर्म है। अगर इससे अपोजिट इधर हो गया अपर्याप्त नाम कर्म, तो ये अपनी तरफ से सभी पूर्ण पर्याप्तियां नहीं कर पाएगा और शरीर भी नहीं बना पाएगा और पहले ही मर जाएगा, पहले ही शरीर छोड़कर चला जाएगा। सोचिए तो कैसी स्थिति होगी। अब ये देखिए, केवल ज्ञानी के सिवाय तो दिखाई नहीं देने वाला है, माँ को तो पता ही नहीं चलता है था। बालक गर्भ में आया है और दो घड़ी का पहले 48 मिनट माँ को क्या पता चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन वो जीव तो अपनी तरह से कर तो रहा है ना, उसका तो वो कर्म साथ में लेकर आया है, वो अपने कर्मानुसार बरोबर बना रहा है, कर रहा है, ये उसकी विशेषता बनी हुई था। अब पर्याप्त नाम कर्म है और इसका ये बन गया प्रत्येक नाम कर्म। अब प्रत्येक नाम कर्म का मतलब क्या है,
आप इतने बड़े अपने शरीर में यू आर द अलोन अकेले हो। हर एक व्यक्ति को लग रहा है मैं अपने इतने बड़े शरीर में एक अकेला हूँ, ये आपकी विशेषता है। इधर क्या है, सामने एक शरीर में एक से ज्यादा रहते हैं, अनंत रहते हैं। आलू प्याज लहसुन गाजर मूला के अंदर एक साथ में अनंत रहते हैं, तो वो आपके लिए कितने बड़ी बात है। मेरे पूरे पैर से लेकर सिर के बाल तक जो है पूरा शरीर मेरा इतना बड़ा है और इतने बड़े पूरे शरीर में मैं अकेला एक ही रहता हूँ, कोई नहीं है, कुछ भी दूसरा जीव नहीं है, अकेला मैं एक रहता हूँ। ये आपका विशेष रूप से प्रत्येक नाम कर्म आया, नहीं तो सबका नहीं होता है। संसार में सभी जीव अलग अलग है। देखिए एक बात मैंने पहले भी बार बार की है, जैन धर्म ने केवल ज्ञानी भगवान होने के कारण पूरे जगत के अनंत समस्त जीवों को लागू हो ऐसी विशाल प्रकार की कर्म थ्योरी बताई। सब जीवों का विचार किया, यूनिक फॉर्मल, एक कॉमन रूप से जो है, नहीं तो ये कोई नहीं कर सकता है। अब बिना केवल ज्ञान के तो ये पॉसिबल भी नहीं है, बिना केवल दर्शन के देखे बिना तो कोई भगवान कह भी नहीं सकते, कैसे कहेंगे, कहां से कहेंगे। तो आप ये बोलते हो तो दुनिया के किसी धर्म में ऐसा कर्म फेल और समय तो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं बना सके, उनके पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है वहां पर। यहाँ तो प्रत्येक तीर्थंकर को केवल ज्ञान अनिवार्य होता है, बिना केवल ज्ञान ये भगवान ही नहीं बनते। ऐसा जैन धर्म का ये कंसेप्ट तो है नहीं, रेडीमेड ऊपर से भगवान अवतरते हैं, अवतरण की तो व्यवस्था जैन धर्म ने स्वीकार ही नहीं है, अवतारवाद भी नहीं स्वीकार है, तो प्रश्न कहाँ खड़ा होता है। आखिर इन सब बातों के पीछे डिटेल में आपको केवल भगवान तक पहुंचना पड़ेगा। भगवान केवल ज्ञानी हुए, उन्होंने सब केवल दर्शन से देखा, केवल ज्ञान से जाना, तब हमको बताया, नहीं तो कौन बता। अब ये विशेषता है। अब इसके साथ में ये आया आपका सिर धरना। अब ये इधर सामने जाएगा तब अपोसिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये पाप कर्म की अशुभ प्रकृतियां हैं, ये हमारा शुभ कर्म चल रहा है। अब आपने देखा आपकी आपके दांत स्थिर है कि नहीं, 32 दांत है, लटक रहे हैं मूंज के पार्ट के रूप में, लेकिन स्थिर है। आपके हिप्स जो है, जॉइंट्स जो है वो स्थिर है, आपके शोल्डर के जॉइंट्स जो है, बोन्स वगैरह वो स्थिर है, कोई यही निकल तो नहीं जाता है पार्ट बाहर में, इतना आप सोते हो दबाते हो करते हो लेकिन दांत टूट तो नहीं जाता है। तो ये शरीर के लिए, क्योंकि तो जब गर्भकाल के अंदर जीव शरीर की रचना करता है तो ये सब नाम कर्म की पुण्य प्रकृति उसका सपोर्ट करती है, सबको साथ में मिलकर काम करना है। एक दांत भी बनाना है तो ऐसा बनाना है कि वो भी अपनी जगह पर स्थिर होना चाहिए। दम भी है और दांत भी है, दाढ़ भी है, हाथ भी है, अंगुलियां भी है, अंगूठा भी है, सब कुछ है, पैर है, बोन्स है, एवरीथिंग जो बॉडी में स्टेबल है, स्टेडी एंड स्टेबल जो है वो है स्थिर नाम कर्म। ऐसे नहीं किसी ने आपका कान पकड़ लिया तो कान निकल के हाथ में आ गया, ऐसा तो नहीं है, कान अपनी जगह पर बना हुआ है, बरोबर है ऐसा। तो ये विशेषता है। अब ये पुण्य प्रकृति है, अब सब ये अभी पुण्य प्रकृतियों के अंदर ये आ गए सामने आपकी शुभ नाम प्रकृति। अब इधर जाएगी तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, इधर जाएगी अशुभ नाम कर्म आ जाएगा। अब ये जीव जो है शुभ नाम कर्म लेके आया है तो आपको जो है सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा। शुभ का मतलब क्या, अच्छे से अच्छा, ईच एंड एवरीथिंग आपको पसंद भी आएगा, अच्छा ही आएगा। अभी तो बालक का जन्म नहीं हुआ, उसके पहले तो माँ बाप जो है उसके लिए पलंग बनाएंगे, गुड़िया बनाएंगे, कपड़े लाएंगे, ये करेंगे, बताबो लाएंगे, सब कुछ करते करते चलते जाएंगे। अभी बालक का जन्म ही नहीं हुआ, उसके पहले ही सब कर रहे हैं, तो ये क्या है, शुभ नाम कर्म की पुण्य प्रकृति।
इतनी शुभ नाम कर्म की है तो सब कुछ तैयारी आप। अब ये आपका शुभ नाम कर्म होना चाहिए तो ये आपको समझना है अच्छी तरह से। अब शुभ भी है फिर आपके लिए साथ में सौभाग्य भी है, अलग अलग प्रकार का है। अब ये जो है आपके लिए आया है शुभ, तो ये यहाँ पर आपको क्या शुभ, हमारी भाषा में हम बोलते हैं सौभाग्य। ये सौभाग्य मतलब क्या हुआ, आपका परिवार है, आप परिवार में जन्मे हैं, पति के साथ में पत्नी है, पति की पत्नी के पहले पति मर जाए तो पत्नी विधवा कहलाएगी, लेकिन नहीं है पति है तो वो हमेशा सौभाग्य बनती है सब, क्योंकि वो तो अपना मायका छोड़ करके आई है ना। अब पति के घर में तो उसके लिए सब कुछ अच्छा, पति की निशा है, परिवार है, धन संपत्ति है, जिसका ये सौभाग्य बना हुआ है, ऐसी स्थिति उसके लिए मुख्य रूप से चल रही है सर। तो ये विशेषता उसको ध्यान में रख करके आपका स्पेशल पुण्य कर्म होना चाहिए, तो ये शुभ नाम कर्म का पुण्य अच्छा है। अब यहाँ पर आपका सौभाग्य नाम कर्म साथ है। अब आपको ये देखना है कि आपको सुस्वर नाम कर्म, आपका स्वर जो है मधुर है कि नहीं है, आप गाने बैठो तो लोग सुनने के लिए तैयार है कि नहीं है साहब। कहीं पर भी अगर आपका मधुर कंठ है, आप गाने लग जाओ, सैकड़ों लोग आकर के बैठ करके मधुर कंठ का स्वर सुनने लग जाते हैं। देखिए देखिए वोकल बॉक्स तो सबके पास है, सबका अपना अपना गला तो बना हुआ है ना, लेकिन सबके गले में इतने मधुर स्वर कहाँ निकलते हैं, सबका इतना गाना कहाँ पसंद है। यहाँ बंबई के अंदर एक महिला है, अभी तो बहुत एजेड हो गई, लेकिन इतने वर्षों से गाते हुए आज 50 साल से उसने अपना नाम बनाया है और लोग उसको गाने वाली स्वर साम्राज्ञी बोलते हैं सा। ये सुस्वर गाने वाली, इसका मधुर कंठ जो है, इतने हजारों गीत उसने गाए, हालांकि फिल्मी लाइन में गाए, लेकिन बद्दामर भी गाया, नवकार मंत्र के ऊपर भी स्तवन गाए उसने, तो लोग पहचानते उसको। आज वो अपने कंठ से एक स्तवन गीत गाने के लाखों रुपए ले लेती, वो अपने कंठ पर कमा रही है सोचिए, और उसकी जो है चारों तरफ उसके कंठ की मधुरता लोग सुनने को तैयार। आपने भी तो सुना है, मोर की आवाज सुनिए, कोयल की आवाज सुनिए, लेकिन कौवा काव 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 करता है तो लोग उड़ा देते हैं उसे, अपने घर की खिड़की पर आकर बैठ जाए तो उड़ा देते, लेकिन कोयल अगर बोलती है तो लोग जाकर के सामने चुपचाप बैठ करके सुनते रहते। अब हमारे आप ये मत सुनिए खाली स्त्रियों के पास ही सुस्वर होता है, पुरुषों के पास भी सुस्वर होता है। इतना जरूर है कि स्त्री का कंठ जो है वो बिल्कुल इस प्रकार का होगा और पुरुष का कंठ इस प्रकार का होगा, तो पुरुष के कंठ में भी सुस्वर है तो लोग बरोबर सुनते, ये होना तो चाहिए ना, पुण्य प्रकृति है। आपने पुण्य उपार्जन किया है तो बहुत मधुर कंठ से आप गा सकोगे। दीपक भाई तुम्हें गावत छो मधुर कंठ थी नहीं, તમારું ગાવાનું હોય તો બધા લોકો બધા પાટણ મંડળ વાળા ભેગા થઈ જાય સાંભળવા, જરાક પણ નહીં, ક્યો નહીં ભાઈ સાહેબ, કંઠ તો આપકે પાસ ભી હૈ, સબકે પાસ હૈ, નરેન્દ્રજી આપકો લોગ સુન લેતે હૈ કંઠ કવિતા ગાતે હુએ, જી ગુરુજી, તો યે જો હૈ આપકા સ્વર જો હૈ સબકો અપને અપને નામ કર્મ કે હિસાબ સે સ્વર મિલ રહા હૈ। इधर आप देखेंगे कि चलो अब आपका ये आगे आदि नाम कर्म आपका अच्छा है क्या, ये लैंग्वेज अलग है थोड़ी सी, भाषा समझना, अर्धमाधी की भाषा है। आदि नाम कर्म ये पुण्य प्रकृति क्या है, आप बोलो और सामने वाला अमल करे, आप बोलो और सामने वाला सुने, आपकी आज्ञा हो और वो सामने तुरंत पालन करे, ये विशेषता है इसकी। नहीं तो कई लोग हैं साहब 10 बार चिल्लाते हैं कोई सुनता ही नहीं। अब कोई बिस्तर में पड़ा है, किसी को पैरालिसिस हो गया,
अब बेचारा उठ भी नहीं सकता है, शरीर तो उसके हाथ पैर तो चल नहीं सकते, और वो पड़ा है, पड़ा चिल्लाता है, कोई सुनता ही नहीं था, एक पानी का गिलास कोई लाके भर के नहीं दे रहा है, कैसी हालत है उसकी। और एक व्यक्ति ऐसा है कि बरोबर बोलता है और सामने फटाक से ला करके दे रहा है, हाँ साहब बोलिए साहब हाजिर हूँ, क्या लायक नहीं। तो ये आपका कहा हुआ कोई अमल करे, कोई आचरण करे, कोई आपके बोलते ही काम करके दे दे, आपका मांग ले, आप ऑर्डर करो और आपका मांग ले, इसमें भी आपका पुण्य कर्म काम कर रहा है। संसार में सबके पास नहीं होता है, कई लोगों के चपास चले जाइए, कई लोगों को आप देखते रहिए, लोग सुनते ही नहीं, कुछ भी नहीं सुनते। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो विशेष प्रकार की पुण्य प्रकृति है साहब, ये मत भूलिए, क्या लायक नहीं। सामने वाला मेरा करता, हाँ कई बार आपका पुण्य न भी हो और सामने वाला हो, विनय विवेक से नम्रता से चल रहा है और वो अपना कर्तव्य समझ कर काम कर ले, वो बड़ी बात है। लेकिन अगर आपका पुण्य है तो एक कौन करो, सामने वाला काम करो, क्योंकि बोलने वाले को तो एक सेकंड लगती है, बोलने वाले को तो एक मिनट लगती है, उसने तो ऑर्डर दे दिया, काम बता दिया, कह दिया, अब करने वाला करे उसको तो कितना टाइम लगेगा। करने वाले को इतना इतना जल्दी तो पॉसिबल नहीं है ना, तो वो करने के लिए जाएगा तब होगा। अब इसी तरह से करते करते ये आपके जो पुण्य प्रकृति आपके साथ चल रही है, अब ये आपने देखा एक और है आपके साथ में, अब वो कौन सी पुण्य प्रकृति है, यश नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है। यश नाम कर्म का मतलब आपको जो भी हो, आपका नाम है, आपकी पब्लिसिटी है, आपकी प्रसिद्धि है, आपका आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है, आपकी न रहने पर भी आपके नाम से काम हो रहे हैं, और आपकी मृत्यु के बाद भी लोग आपके नाम का स्मरण करके आपको याद करेंगे, ये सब किसके कारण है, यश नाम कर्म की प्रकृति। कई लोगों को देखिए, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी फल नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको फल नहीं मिलता है, और आप थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी आपकी यश कीर्ति बहुत ज्यादा फैल जाती है, कहां से बढ़ गई साहब इतनी यश कीर्ति आपकी, आपका पूर्व उपार्जित किया हुआ पुण्य आपको साथ दे रहा है। अरे ख्याल में, ये पुण्य आपका सहयोगी बना है, आपको बरोबर दे रहा है, समझे। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, अब ये दसों बातें इधर हो गई, बोलिए सबके पास अपना अपना पुण्य कितना है। शांति भाई तमे बोलो ने तुम्हारा बद्धा दीकरा दीकरी हाजर थी ने तरत आग्रह करी ले, तो जैसे ही बनता है, चलो बोल ना खोल तो बांधी मुठी लाख नहीं, आपको जो भी उचित लगे समझे। लेकिन आपका आधे नाम कर्म है, आपका यश नाम कर्म है, आपकी यश प्रतिष्ठा कीर्ति पब्लिसिटी प्रसिद्धि नामना, क्या लोग हैं, ओहो क्या बात करते हो, आइए आइए। आप जब आते हो तो आपकी ओरा, जिसको ये लोग आजकल उसकी भारत भाषा में होना बोलते हैं, आपके आते ही दस जने खड़े हो जाए, बैठने की जगह नहीं है, लेकिन आपके आते ही लोग आपको बैठने की जगह ही आई आ रहे आप पहले बैठे, नहीं नहीं आइए साहब आप आगे बैठे, नहीं आप यहाँ बैठे, दो लोग जाकर के कुर्सी ला कर देते, आइए बैठे। इसको आप अपना प्रभाव बोलते हो, ये प्रभाव कहाँ से आया भाई साहब, आपका इतना प्रभाव है, और दूसरे कोई लोग आते हैं तो कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं करते, ना तो बैठने के लिए देते हैं ना कुछ करते हैं, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, सब प्रकार से है ना। तो जिसका अपना खुद का कर्म होना है, अब जब हम ये साइड सीखेंगे तब ये भी समझेंगे, तब यहाँ पर आपको ख्याल आएगा कि इससे अपोजिट 10 बातें चल रही है जो पाप कर्म के उदय से आ रही है। जब ये भी सीखेंगे तो आपको बरोबर लगेगा, देखिए संसार है, संसार के अंदर पुण्य उपार्जन के भी लोग भी हैं, संसार के अंदर पुण्य का फल प्राप्त करने वाले भी लोग हैं,
और संसार में पाप कर्म उपार्जन करने के बाद पाप का अशुभ फल प्राप्त करने वाले भी संसार में बहुत सब प्रकार के लोग हैं। जिसने जो उपार्जन किया है, जिसने जैसा और जितना उपार्जन किया वो प्राप्त करेंगे। अपने अपने कर्म के हिसाब से सबको प्राप्त करना है ना। फिर सवाल क्या है, अब किसके कैसे कर्म है, किसके कैसे कर्म है। अब इसी तरह से यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो शुभ पुण्य और अशुभ पाप आदि कर रहे हो। अब आपने क्या देखा, यहाँ पर अलग अलग प्रकार से ये देखा है और ये है रस और ये है स्पर्श। अब ये सब क्या है वो तो आप पहचानते ही हो, जानते ही हो ना क्या है ये सब। राहुल जी बोल गए नहीं, चलो श्वेता मैंने क्या लिखा है, मैंने बुद्गल के गुण। अब ये सब अपने संख्या में दे दिया, अब इसके अंदर जो है आपको ये ध्यान आ जाएगा। अब ये टोटली है बीच, आपको क्या लगा पुद्गल के गुण है। अब इसी पुद्गल को तो लेकर हमने शरीर बनाया है। अब इन पांच ये बीस हो गए। अब आप ये देखना है बीस के अंदर जो है अब यहाँ पर शुभ के कितने हैं और अशुभ के कितने हैं। बीस के अंदर की बात चल रही है तो बीस में आप देखेंगे शुभ कितने आएंगे अशुभ कितने आएंगे। हमने अपना शरीर बना लिया है, शरीर बनाया तो हमारे साथ में शरीर तो पुद्गल का ही बनता है, पुद्गल ही है। शरीर बनाया तो वर्णक अंदर स्पर्श तो आ ही गए आपके साथ में। बोलिए अब आपको शुभ मिले हैं कि अशुभ मिले हैं, अपना अपना हिसाब करके देख लो। पुद्गल पुद्गल बोल करके नहीं चलेगा, है तो पुद्गल के ही है लेकिन हमारा शरीर तो पुद्गल का ही है ना। हमने शरीर बनाया तो पुद्गल का ही पिंड बनाया हुआ, तो पुद्गल का शरीर बनाया तो वर्ण गंध रस स्पर्श सब आ गए कि नहीं आ गए। जब शरीर ही पुद्गल का है तो पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, पहले आएंगे। लेकिन अब इसमें से शुभ कौन से, अच्छे कौन से, खराब। अभी मैं आपको गुरु कांति भाई तुमने करेला पसंद छे के गुलाब जामुन पसंद छे। ऑफ कोर्स गुलाब जामुन। करेला कड़वा होता है तो कड़वा रस अशुभ में चला गया, गुलाब जामुन मीठा है तो मीठा रस शुभ में आ गया। अब देख लो आप सबको मीठा रस ही पसंद है, कड़वा किसको पसंद है। लेकिन वो भी दुनिया में है तो सही कि नहीं, अपना थोड़ी बोलेंगे। नीम का रस कड़वा होता है, नीम के पत्ते कड़वे होते हैं। अब मेथी तो कड़वी होती है कि नहीं होती है, लेकिन आपको पूछूंगा तो आप ये बोलेंगे नहीं सर मेथी भी कड़वी होती है, आपने कड़वा क्यों बोल दिया उसको। आपको पसंद नहीं है क्या, लेकिन वो भी दुनिया में वस्तु तो बनी हुई है ना, संसार के अंदर सभी वस्तुएं बनी हुई है। तो शुभ कौन से है अशुभ कौन से, ये आपको निर्णय कर लेना पड़ेगा आसान। तो इनके अंदर भी बड़ा लिस्ट बन गया है। अब इसमें से पांच में से इधर दो में से इधर इस पांच में से बोलिए। अब आप अपने अपने हिसाब से कैसे करोगे। और इधर महावीर स्वामी ने तो बिल्कुल यूनिफॉर्मल करके जगत में सबको दे दिया है। अब इसके अंदर शुभ वर्ण गंध रस स्पर्श आदि जो है उनका हिसाब निकाल लो। अब उनका हिसाब निकालेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि शुभ कौन से हैं अशुभ कौन से हैं, इनका बराबर हिसाब निकलता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोग जो है अपनी तरफ से अच्छा आप किसको कहेंगे सा, ये देखिए सब जीवों के अंदर है सुगंध और ये होगी दुर्गंध। अब दुनिया में दोनों ही चीज है तो सही ना, अब ना तो नहीं कह सकते हो।
और दोनों को तो नाक ही ग्रहण करेगा। कई रास्ते पर से चले जाते वहां गंदगी पड़ी है तो दुर्गंध आएगी। कई लोग अपने शरीर की दुर्गंध को छिपाने के लिए सेंट लगा देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, अत्तर लगा देते हैं, सुगंध आएगी। अब वो सेंट और अत्तर की सुगंध बाहर की कहां तक रहेगी, कितनी देर रहेगी, वो कहां तक रहने वाली है। लेकिन हमको पसंद है सुगंध, हमको दुर्गंध पसंद नहीं है। ये शुभ है आपके खाते में, इधर आपने ये कलर देख लिया, पांच जाके कलर है। अब इन कलर के अंदर आपको कौन कौन से पसंद है सर? कांति बेन ने ब्लैक कलर वधारे पसंद छे ना साहब, कई महिलाओं को ज्यादा ब्लैक कलर, आपको कानन बेन ज्यादा ब्लैक कलर पसंद है। कई महिलाएं सामने से ब्लैक कपड़ी ज्यादा पहनती है, अब क्या मालूम क्यों, समझ में नहीं आता। लेकिन ये है पांच कलर की डिवीजन कर लो आप समझे कि नहीं। तो रेड कलर है, व्हाइट कलर है, दो तीन कलर आपको अच्छे, लेकिन ब्लैक को खराब। लेकिन लोगों की अपनी पसंद का सवाल अलग है। दीपक भाई तुमने क्यों पसंद छे ब्लैक कलर? बड़ा कलर पसंद छे। आपकी पसंदी का कारण क्या है? भैराव ने तो अजी हम जी लीधे, पर तुम्हारे शू लेवा रहे हो? कॉन्ट्रास्ट है ना, व्हाइट स्किन में ब्लैक कॉन्ट्रास्ट। अरे पर आपको पुरुषों को तो व्हाइट ही पहनना है, कोई कलर वलर के चक्कर मत फंसो आप। लेडीज के लिए ठीक है, बार उनको सिलेक्शन, उनको मैचिंग सब देखना पड़ता है, आपको क्या लेना देना है। पुरुष कभी कपड़े से नहीं पहचाना जाता है, ध्यान रखिए, पुरुष कभी आभूषण दागिने कपड़ों से नहीं पहचाना जाता है। महिलाओं की बात अलग है, वो बेचारे कॉस्मेटिक से भी पहचाने जाते हैं, क्या करना। पुरुष के लिए देखना है सही ढंग से। अब आप यहाँ पर अगर रस भी है, अब पांच गाय के रस है, मीठा है, खट्टा है, फिर यहाँ तीखा है, कड़वा है, फिर आप अपनी अपनी तरह से कौन सा रस आपको ज्यादा पसंद है बोलिए। जिनको मिर्ची वाला तीखा ज्यादा पसंद है समझ लो उनका तो पाप का उदय, अशुभ कर्म है, वो तीखा ही ज्यादा पसंद है। उनको आप बोलोगे कि नहीं बादाम की बर्फी खाओ, नहीं बोले मेरे को मिर्ची का भजिया पकौड़ा ही खाना है, अब क्या करना। अब पसंद लाइकिंग उनके प्रकार की है तो इसका रास्ता क्या है आपके पास, अब क्या कर सकेंगे। तो जिसकी जो प्रकृति है अपनी प्रकृति के हिसाब से लोग चल रहे हैं, अपनी अपनी कर्म की प्रकृति के हिसाब से। तो यहाँ पर मीठा अगर आपको पसंद है, आपकी पुण्य प्रकृति, आपको खटिया खटाई जो है थोड़ा बहुत भी कौन सी पसंद है, कैसी पसंद है, वो आपको देखना है। तुरक जो है वो इधर चला जाएगा, फिर कड़वा इधर चला जाएगा, वो अशुभ कर्म की प्रकृति है। सोचिए तो ये तो रहना ही रहना है, और सबके पास जीभ है, और सबकी जीभ जो है रस को ही ग्रहण करती है। अब लेकिन पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है ये देख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर ये आठ प्रकार के स्पर्श है। अब इन आठ प्रकार के स्पर्श में आपकी स्किन स्मूथ रहे वो अच्छी है कि रफ रहे वो अच्छी है। आप अपने चेहरे पर ही देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा आइदर योर स्किन इज स्मूथ और रफ। वो कॉस्मेटिक या क्रीम से नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल एंड नेचुरल होनी चाहिए, ख्याल है कि नहीं। तो वो यहाँ पर आपके लिए शुभ पुण्य की प्रकृति है, तो बरोबर आपके लिए जो है बिल्कुल स्निग्ध बनी रहेगी। अब आपको देखिए लघु है कि गुरु है, तो ये रथ यहाँ पर जाएगी और ये जो है गुरु यहाँ पर जाएगी। लघु मतलब हल्का और गुरु मतलब भारी। बोलिए इला बहन जी, आपको वजन ज्यादा भारी शरीर पसंद है कि हल्का फुल्का शरीर पसंद है? अभी भी आप रनिंग जॉगिंग बरोबर अच्छी तरह से दौड़ सको कर सको, लेकिन अब शरीर आपके हाथ में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल आपका वजन हो गया। विजयराज जी आपका तो कितना 100 केजी हो गया, तो
102 110 विजयराज जी मेहता जी का वजन 110 है। अब बोलिए फिर कितने प्रॉब्लम आएगी, घुटने की तकलीफ आएगी, उठने बैठने में तकलीफ आएगी। तो ये गुरु शरीर इतना भारी शरीर हो गए, ये भी समस्या है, ये शुभ का उदय नहीं है सा। शरीर हल्का फुल हो, अब ये आपका लघु है। वो इंडिया के अंदर दौड़ने के अंदर मैराथन में फर्स्ट आता था, वो भी 90 के ऊपर की उम्र में सा, हल्का फुल्का शरीर था। जब चाहो तब दौड़ तो सको, अब जहाँ रहते हो कल यहाँ आग लग गई तो दौड़ सकोगे नहीं दौड़ सको, ये प्रश्न आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर शरीर को लघु बना रहे ये अच्छा है, कहलाएगा। शरीर को ज्यादा भारी मत बनाइए। लेकिन अब क्या करेंगे सर, बिल्कुल बैठक वाला ही जीवन हो जाए। मेहता जी सीए है तो दिन में करीब 10-12 घंटे तो बैठना ही पड़ता है, बैठे बैठे ही काम करना पड़ता है, तो वैसे भी बैठे बैठे शरीर बढ़ जाता है। लेकिन ये शरीर बढ़ना, क्योंकि 100 किलो हो जाए, 110 किलो हो जाए, तो आखिर वजन तो किसको उठाना है, शरीर तो इतना ही है जो है। लेकिन ऐसे भारी शरीर को उठाकर ले जाना आना जाना चलना, लोग थक जाएंगे। दो सीढ़ियां घर की चढ़नी हो तो श्वास भर जाएगी, हाँफ जाएंगे। तो ये भी अशुभ का उदय है, शुभ का नहीं बोलते इसको। शरीर अपने कहने में होना चाहिए, है तो पुद्गल का ही पिंड है ना। अकॉर्डिंग टू एज आपका वेट ये कंट्रोल में अगर माप से है और वो भी स्टेडी एंड स्टेबल रहे, चाहे वर्षों बीतते जाए, बीतते वर्षों के साथ 10 बरस से 20 बरस से जब भी मापो तो बरोबर आपका वजन 50 के आसपास ही आए, ना तो एक दो ज्यादा बढ़ता है ना कभी कम होता है। लेकिन नर वो आपका एकदम जो है स्टेडी स्टेबल बना रहे अकॉर्डिंग टू एज चैलेंज। अब बच्चे बेचारे 10 बरस के और वजन 50 किलो हो जाए तो कितनी मुश्किल है। 6-7-8 बरस का बच्चा हो और वजन उसका जो है और ज्यादा 60 किलो बन जाए, तो न तो बच्चा रनिंग करना, दौड़ना, जागना या खेलना कूदना सब उसके लिए कम हो जाए। तो शरीर अपने लिए शरीर वैसा बना हुआ होना चाहिए। क्या रहे? अब खाते पीते तो वही है, सभी खा रहे पी रहे, लेकिन शरीर को वजन से बरोबर, क्योंकि ये स्पर्श है भारी और हल्का, ये भी गुरु लघु, ये भी हमारे लिए कर्म बंध का कारण है, शुभ अशुभ कर्म की प्रकृति का फल है ये। कल अगर यही हमारा चलता रहेगा तो कैसे होगा सब, दोनों देखना है। अब ये आप देख रहे हो, देखकर उसने देखा, शीत उसने देखिए, ठंडा है कि गर्म है, ये भी आपको देखना है। अब ये शरीर के प्रकार है साथ सबके, अब इन शरीर के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श सके आपको सब निमित्त बरोबर समझ में आ जाएंगे। मैं क्या बोलता जाता हूँ, घड़ी में तो ख्याल ही नहीं रहता, यहाँ पर टाइम हो जाता है, आगे थोड़ा सा और बाकी रह गया है। 42 प्रकार की पुण्य प्रकृतियां हैं। अब आप कहते हो कांति भाई मोक्ष में जाना है, क्या पुण्य करना है, हे है छोड़ देना है, पुण्य तो हे है, लेकिन अभी हमने इसमें कोई पैसे टके की दागिने कपड़े की तो बात ही नहीं की। अभी तो अपना शरीर, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर शरीर तो साथ में चलना ही चाहिए कि नहीं। आप शरीर छोड़ो के 14वें गुण स्थान पर आकर के वहां तक आपको शरीर साथ में चलाना ही पड़ेगा सा। कल थोड़ा सा रह गया है, अगली क्लास में पूरा कर देंगे। मंगलम सूर्यभद्राध्य जैन धर्म चतारी सर्वोत्तमा केवली पन्नतोत्तमा चतारी स
शरणं भवज्यामि हरिहन्ते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साहु शरणं भवज्यामि केवले पन्नं दम्दम्नं शरणं भवज्यामि सर्वमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जय जय श्री।